लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन करने का तरीका तो सबको पता है, नॉर्मली जितने भी तरीके होते हैं सबको पता है, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक अलग ही तरीका बताएंगे। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में शॉर्टकट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शॉर्टकट पर आपको क्लिक कर देना है। शॉर्टकट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है स्लाइड, SLIDE स्लाइड टू, स्लाइड टू शट डाउन, SHUT DOWN। तो यहाँ पर लिखना है आपको स्लाइड टू शट डाउन, स्पेलिंग आप सही से लिखेगा SLIDE TO SHUT DOWN, स्लाइड टू शट डाउन। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर डॉट, डॉट लगाने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है डॉट, डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है EXE, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए फिनिश पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिनिश पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने डेस्कटॉप पर एक फाइल बन करके यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है दोस्तों। चलिए हम राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पर आना है, नीचे में प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस चेंज आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए चेंज आइकन पर हम क्लिक कर लेते हैं। चेंज आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज आइकन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चेंज आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो, इसको ठीक से पहचान कर लीजिएगा, ये वाला आइकन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ठो फाइल बन करके आ गया, ये शट डाउन बटन आपने यहाँ पर बना दिया, शट डाउन बटन आपने यहाँ पर बना दिया। अब इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा आपका जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। हालांकि इसको हम करके भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर यदि हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा और हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड जो हो रहा है वो आपको नहीं दिख पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर आपको पहले हम मोबाइल से यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल का कैमरा हम ओपन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये वाला जो बटन हमने तैयार किया था फाइल, इस पर हम डबल क्लिक कर रहे हैं और डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये शट डाउन होगा। तो चलिए यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं इसको आप। चलिए हम डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये डबल क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से आ गया। एक इंटर बटन दबाएंगे और ये लैपटॉप जो है शट डाउन होने स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।